नमस्कार, आप देख रही हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 39 की टीम ने हत्या का प्रयास, पुलिस के साथ मुठभेड़, लूट, लड़ाई झगड़े और पुलिस हिरासत से भागने वाले दो भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। गुरुग्राम पुलिस के SP क्राइमप्रीत पाल सिंह की माने तो दोनों आरोपी बैंक डकैती और पुलिस से मुठभेड़ के मामलों में सजा काट रहे थे। साल 2006 में राजस्थान पुलिस गुरुग्राम के थाना सेक्टर 29 में चोरी के मामले में आरोपी को गुरुग्राम ला रही थी। इस दौरान दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत से फरार हो गए, जिन्हें गुरुग्राम पुलिस ने 16 साल बाद अवैध हथियारों के साथ पकड़ा है। दोनों आरोपियों की पहचान विकास कुमार और जयवीर निवासी गुरुग्राम के रूप में की गई है। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ राजस्थान में 2, गुरुग्राम के सेक्टर 29 और सदर थाने में 1-1 मुकदमे दर्ज है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी की जानकारी राजस्थान पुलिस को भी भेज दी। बहरहाल 16 साल से पुलिस हिरासत से फरार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने एक बार फिर संदेश दिया है कि अपराधी बचने के लिए कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन पुलिस उसे ढूंढकर सलाखों के पीछे पहुंचा ही देती है। दिनांक 27/2/2022 को हमारी क्राइम टीम सेक्टर 39 को सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो पुलिस कस्टडी से भागे हुए हैं और वो हथियारों के साथ यहाँ घूम रहे हैं, तो क्राइम टीम 39 के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में उन्होंने कार्रवाई करते हुए अपनी टीमें वहाँ भेजी और अलग अलग जगह से 2 आदमियों को उनको काबू किया गया, जिनके नाम विकास कुमार और जयवीर सिंह है, जिनसे 1 से 1 पिस्टल और 1 से देसी कट्टा बरामद हुआ, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके और आगामी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। दौरान पूछताछ ये पता चला कि ये दोनों अपराधी 2004 में इन्होंने राजस्थान में एक बैंक डकैती की थी और उस बैंक डकैती के केस में इनको 10 साल की सजा हो गई थी और वहां से ये 2006 में गुड़गांव कोर्ट में राजस्थान पुलिस इनको पेश करने के लिए लेके आई थी और ये उनकी राजस्थान की पुलिस की कस्टडी से वहां से भाग गए थे। इस संबंध में यहाँ पे सदर पुलिस स्टेशन के इलाके में केस रजिस्टर हुआ था और ये 2006 से लगातार भगोड़े थे उस मुकदमे में, तो अब हमारी टीम ने उस पर काम करते हुए इनको गिरफ्तार किया है और इसमें लगभग इनसे 4 मुकदमे और भी इनके ऊपर हैं, तो ये बड़े खतरनाक किस्म के अपराधी थे, तो इसमें गुड़गांव पुलिस का बेहतरीन काम रहा है। इसके संबंध में आज इनको हम पुलिस रिमांड के बाद वापस कोर्ट में पेश कर रहे हैं और इनके आगामी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। राजस्थान पुलिस को हमने सूचित कर दिया है कि आप भी आके अपनी इसके संबंध में जो भी इन्वेस्टिगेशन है आप कर सकते हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।